दोस्तों, क्या आप भी बोस बोर्ड सिक्के में एडमिशन लेने जा रहे हैं? और अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आपने अधिकतर सुना होगा बोस बोर्ड सिक्के में अभी तक क्या होता था, ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होते थे। इवन अभी भी जो अक्टूबर से स्टार्ट है एग्जाम, 10th हो या 12th, सभी के ऑनलाइन मोड पर एग्जाम स्टार्ट होने वाले। लेकिन अब बहुत जल्द इसको बदला जा रहा है, यानी कि अगर आप भी अप्रैल 2024 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं किसी भी सेंटर से, तो अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। हाँ, इसमें यह है कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे कि क्या है कि अब एक क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा हो सकता है कि अगर मेरा एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होगा। नंबर दो, अगर मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से करता हूँ, मैं कर्नाटका से करता हूँ, मैं केरल से करता हूँ, या फिर मैं जम्मू कश्मीर से करता हूँ, तो उस केस में मुझे अगर सेंटर पूरे एक ही एरिया में एक ही होता है, यानी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही एक है और वहाँ से भी मेरी डिस्टेंस 50-60 किलोमीटर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आज की वीडियो उसी के लिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बोस बोर्ड में, अगर हम बात करें अप्रूवल्स की या फिर इसके अपडेट्स की, ऑलरेडी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, जो आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे कि बोस बोर्ड को अप्रूवल है या नहीं है, या वैलिड है या नहीं है। एक क्वेश्चन आपका होता है इससे पासपोर्ट बनता है या नहीं, तो इससे पासपोर्ट बिल्कुल बनता है। और भी आपकी जो क्वेरी होती है उसके सॉल्यूशन आपको पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बोस बोर्ड से हम कोर्स क्या क्या कर सकते हैं। तो आप अपना 10th या 12th दोनों ही बोस बोर्ड से कर सकते हो। एडमिशन इसमें किस तरीके से होते हैं, अगर आपको अपना TOC करवाना है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, तो भी आप बोस बोर्ड से करवा सकते हैं। अगर आपको रेगुलर एडमिशन लेना है वो भी आप ले सकते हैं, और पार्ट एडमिशन लेना है वो भी ले सकते हैं। तीनों तरीके से इसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं। अब एग्जाम जो होंगे, एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, तो एग्जाम जो है इसके ऑनलाइन भी होने वाले हैं और ऑफलाइन भी होने वाले हैं। लेकिन अब इसमें रहेगा क्या, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आप बिलोंग करते हैं किसी भी सिटी से, उस सिटी के अंदर जो आपका एरिया है, आप मान के चलिए कि आपका किसी गांव देहात का एरिया है या फिर सिटी का ही है, आपका जो 15 किलोमीटर का रेडियस होगा, 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आपको एग्जाम का सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा। इन केस अगर वहां पर AI सेंटर, जिसको बोलते हैं बोस बोर्ड में, अगर वो वहां पर नहीं है आपके 15-20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में, उस केस में आपको ऑनलाइन एग्जाम करने के लिए अलाउ किया जाएगा। इसकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, इसकी कंफर्मेशन के लिए अभी आपको फरवरी तक का वेट करना होगा। फरवरी तक क्यों, क्योंकि AI सेंटर जहां भी होंगे खोले जा रहे हैं, और उसमें अधिकतर यह है कि पूरे इंडिया को कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, तो अभी भी 70% तो चांसेस है ऑनलाइन होने के और 30% होगा ऑफलाइन। जैसे कि हम बात करें बड़े शहरों की, यानी कि हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, हम चंडीगढ़ की बात करें, तो इस तरह के बड़े शहर जो है चेन्नई वगैरह, वहां पर AI सेंटर मिलना आसान है। बट अगर हम 29 स्टेट्स में कंप्लीट बात करें तो वहां पर AI सेंटर अभी ओपन होना इतनी जल्दी इम्पॉसिबल होगा। तो हाँ, ये है कि आप भी जिस भी स्टेट से, जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका उस सिटी में AI सेंटर है, एग्जाम सेंटर अगर पड़ता है, और वो एग्जाम सेंटर अगर आपके 15 किलोमीटर रेडियस के अंदर है, तो आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। इन केस अगर आपका सेंटर आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, आप अपने सेंटर से कॉन्टैक्ट करेंगे और वो सेंटर आपको फिर ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपकी जो भी आपकी नीड होगी उसको वो फुलफिल करेंगे, और उस तरीके से आप अपना 10th या 12th बोस बोर्ड से कर पाएंगे।